आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संबल के ब्लॉक असमौली के गांव गुमसानी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 60 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 13 किलोमीटर है। 5000 वोट और 15000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान देवेंद्र उर्फ नीटू भैया ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान देवेंद्र उर्फ नीटू व सचिव रोनिल अली के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज इस समय हम यहाँ मौजूद है ब्लॉक असमौली के गुमसानी ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, यह किस तरह से यहाँ इनकी कार्य योजनाएं रही हैं अब तक और क्या विचार इनके आगे आने वाले समय में है, इस सब को लेकर हम यहाँ बात करते हैं आज प्रधान जी से। तो आइए चलते हैं। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ये कार्यकाल आपका पूरे पंचवर्षीय खत्म होने को है, कार्यकाल पूरा है। इस बीते हुए समय में आपने क्या क्या विकास कार्य अब तक गाँव में करवाए हैं? मैंने जब से प्रधान बना सबसे पहले मेरा मोटिव था कि मैं गांव में वो काम कराऊं जो मेरे विकास करने में जितने आपके प्रधान बने वो पीछे रह जाते जी। और मैंने गांव में विकास किया है, सारी सड़कें नालियां खंजे सबको रिपेयर कराए और नए करवाए हैं। जहां भी सीसी टाइल्स बिछी है उस पर नए बिछी है जी। और शौचालय निर्माण कराए, ग्रामवासियों को आर्थिक आवास दिया है, काफ़ी काम किया मैंने ग्राम पंचायत जी। आवास जितने यहाँ मिले हैं उसे मिलने के बाद भी अभी कुछ परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवास जी, कितने परिवार हैं? जी, बड़ी ग्राम पंचायत है आपकी, तो इसमें क्या कोई रास्ता अभी भी कच्चा मौजूद है या लगभग सभी रास्ते? कुछ लोग नहीं, कच्चा रास्ता तो नहीं है, लेकिन जो नई बस्ती बनी है वहाँ पर कच्चे रास्ते हैं और कोशिश करते हैं जितना भी हो जाए विकास अच्छा है। अभी जो केंद्र सरकार की योजनाएं लागू होती हैं जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो आपकी ग्राम पंचायत में कितने परसेंट लोग इसका लाभ ले पाते हैं? कनेक्शन तो लगभग सभी लोगों को करा दिए गए हैं, जो सरकार की फ्री ऑफ कॉस्ट योजना थी उसके अंतर्गत सभी के कनेक्शन करा दिए गए हैं और जो किसान सम्मान है वो सभी जो पात्र थे उन लोगों को दिलवाए गए, सभी को मिला है लगभग जी। यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई हम सिर्फ ध्यान देते हैं, साफ सफाई है और सरकार द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ जिसमें दो सफाई कर्मी हैं उसके अलावा हम दूसरी ग्राम पंचायतों के कुछ लोग बुलाकर अपने यहाँ सफाई कराते हैं और कुछ अपने यहाँ के वहाँ भेजते हैं। जी, मतलब अपने स्तर पर यहाँ सफाई का आप ध्यान देते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल में क्या क्या काम करवाया है? स्कूल में हमने फर्नीचर की व्यवस्था कराई है, स्कूल में सीसी टाइल्स वगैरह और कमरों की रिपेयरिंग बनवाई करवाई है जी। जैसा कि आप यहाँ पर युवा प्रधान हैं तो उस हिसाब को अगर देखा जाए तो शिक्षा की तरफ काफ़ी रुझान इस समय सरकार का भी रहा है इस पंचवर्षीय में और सभी ग्राम पंचायतों में काम भी हुआ है कार्यक्रम के अंतर्गत रह जी, तो इसमें आपको क्या लगता है कि अब इस समय में और पिछले बीता हुआ उसमें पढ़ाई का स्तर हो या बच्चों की संख्या हो इसको लेकर के क्या फर्क है? पढ़ाई का स्तर बहुत चेंज हुआ है और हर विद्यालय में इस समय जो संख्या बच्चों की ज़्यादा है पहले की अपेक्षा, और विद्यालय में पहले की अपेक्षा सुविधाएँ भी ज़्यादा हैं। ये सरकार की देन है और सरकार जो देती है जो सुविधा प्रदान करती है गाँव को उस पर हम लागू करते हैं उसको। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा और स्कूल है, पंचायत घर है और बड़ा घर बना हुआ है यहाँ पर और एक शौचालय बना है सरकार के द्वारा, खेल का मैदान में वो है बजरंग युवा दल। अब अपने गाँव को और ज़्यादा सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? इसके लिए तो हम सरकार को इतना पैसा देंगे, हम सरकार अपने गांव को सबसे मेन चीज़ गांव के रास्ते हैं, सब साफ सफाई है, लाइट की व्यवस्था है और इस चीज़ को लेकर हम अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं जी। जैसे कि आपने इन 5 सालों में यहां काम किया है, विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा यहां गांव में करवाए हैं और अब आगे चुनाव की आपकी फिर तैयारी है, आप लोगों को फिर से रुझान दे रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगी, हम जानना चाहेंगे कि इन 5 सालों को देखते हुए आपकी आगे की क्या तैयारियां हैं, क्या योजनाएं आपने तैयार की हैं कि अगर यदि दोबारा से आपको मौका मिलता है तो किस तरह का विकास गाँव में आप करवाने की कोशिश करेंगे? मेरी आगे में आने वाले चुनाव में कोई विशेष तैयारी नहीं है, मैं जब चुनाव लड़ूंगा जनता में अगर मैंने काम किया है, अगर मैंने विकास कार्य कराए हैं तो पब्लिक मुझे चुनेगी और अगर पब्लिक की नज़र में काम किया है तो फिर और किसी बस कोशिश ये है कि ऐसे युवा चेहरे को चुने जो गाँव को चेंज कर सके, पहले की अपेक्षा जैसे मैंने किया वो मुझे पीछे छोड़ गया। धन्यवाद प्रधानों के लिए संदेश देना चाहता हूँ
कि जो भी ग्राम प्रधान है जिससे आपको चुना है उस पर खड़े उतरें और गांव में विकास कार्य कराएं, हर किसी के पीछे प्रशासन में खड़े हों। जो कि हमारी सरकार सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रही है उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अभी कोरोना ज़्यादा दूर जा रहे हैं, अभी हमें इससे लड़ने की जरूरत है। कोरोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों के रूटीन अपने रूटीन में लोग आने लगे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जी, जैसे कि आप एक यंगस्टर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और आगे भी आजकल जनता एजुकेटेड हो चुकी है, वो भी चाहती है कि हमारा चुनाव हुआ जो नेता है मुखिया है वो युवा पीढ़ी से हो, ताकि वो आगे विकास को ज़्यादा अहमियत दे सके, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि युवा, अगर जनता युवाओं का विकास कर रही है तो आप उसे खरीद रहे हैं और ऐसा काम करके दिखाएं कि आपका नाम परसों तक आ रहा है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ प्रधान जी से हमने बातचीत की है। इन बीते 5 सालों में काफी विकास यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, शौचालय से गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है। आवाज भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, जैसे कि जाना है कि काफी बड़ी पंचायत है, 5000 वोट की पंचायत है ये। यहाँ आज भी लगभग 100 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है, जिसके लिए ग्राम प्रधान ने यहाँ प्रमुख रूप से सरकार से मांग रखी है। इसके साथ ही यहाँ 1200 पंचायत घर भी निर्मित है, लेकिन ग्राम प्रधान का कहना है कि यदि सरकार और ज्यादा धनराशि यहाँ पर उपलब्ध कराती है तो वो गांव को विकास की चरम सीमा पर पहुंचाने का विश्वास रखते हैं। अच्छा, के साथ नाजिम सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीश बाबू है। आप किस गांव में और किस पद पर कार्यरत हैं? मैं जूनियर हाईस्कूल में प्रधान अध्यापक हूँ। अच्छा, ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ क्या क्या विकास कराया विद्यालय में? ग्राम प्रधान द्वारा गांव में काम तो बहुत कराया है, पूरी रोड बनवा दी है। मैं विद्यालय की बात कर रहा हूँ। विद्यालय में टाइल लगवाइए, चार दीवारी बनवाइए, समर सेविंग कराया है और गेट बनवाया है, बहुत सारा काम कराया है, ये रोड बनवाइए। और आप इनके कार्य सहमत हो? इनके कार्य से सहमत है, लेकिन